India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandi Pius Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511-280-465. Hello friends, welcome you all to the analysis of 2011's question paper. आज हम question number 81 to 200 तक सब discuss करेंगे. चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से question number 81. An artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. This is so because the attraction of the earth. अभी हम सीधा आंसर की तरफ आते हैं कि इसका आंसर क्या है. अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन. अगर इसके बाद अगर सवाल आ गया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट सैटेलाइट इज नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो हाइट. सो इसके पीछे दो रीजंस है. पहला रीजन है वो है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और दूसरा रीजन है मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट. ध्यान में रखिए सैटेलाइट पृथ्वी पे क्यों नहीं गिरता है इसके मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, वो हमारा कंसर्न नहीं है. लेकिन अगर अगले बार कभी भी इस पॉइंट पे सवाल आता है तो आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि सैटेलाइट पृथ्वी पे क्यों नहीं गिरता है. सो टू रीजंस आर देयर. फर्स्ट रीजन ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और दूसरा रीजन है मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट. इसमें क्या हो जाता है जब ये सैटेलाइट यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेपण के बाद ये सैटेलाइट ऐसी वेलोसिटी धारण करने का प्रयास करता है कि जो इसको गिरने से भी बचाता है और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस भी करता है. सो स्पीड इज मोर देन द पुल ऑफ द अर्थ. ये सैटेलाइट का स्पीड कितना होता है ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल से भी ज़्यादा होता है, उसके खिंचाव से भी ज़्यादा होता है. बैलेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एंड ग्रेविटेशनल पुल ये सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है जो सैटेलाइट को पृथ्वी की ओर गिरने से बचाता है. सो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इस पर आपको काम करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 82. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बेसिकली एक सवाल कब का है, 2011 का है, बराबर 2011. सो द ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स. मतलब कब से, 2006 से, बराबर है. तो यहाँ पे क्या हो गया था आपको पता है, 2008 में सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, 2010 में यूरोजोन क्राइसिस हुआ था, और ये दोनों भी चीज़ों का वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर हुआ था. और इंडियन इकोनॉमी दो इंडियन इकोनॉमी वॉज लीस्ट अफेक्टेड बट इंडियन इकोनॉमी हैड टू सफर ड्यू टू दीज टू इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस. सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो स्टेडीली इंक्रीज वाला नहीं रहेगा. ग्रोथ रेट बढ़ता रहा लेकिन उसका ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली बढ़ता नहीं रहा. सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया. अगर ये गलत हो गया तो ए ऑप्शन चला जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा. द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स. ये सही है, ये करेक्ट है कि हमारा ग्रोथ रेट पर कैपिटा हैज इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स. इट इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक सर्वे. और यह हर बहुत सारे लोगों को पता था, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी उस टाइम आए थे जिसमें इंडियन इकोनॉमी वॉज लॉडेड डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस. इंडियन इकोनॉमी वॉज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड दैट्स वाई इंडिया वॉज इन अ वेरी प्राउड पोजिशन. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 383. In India, which of the following have the highest share in disbursement of credit to agriculture and allied activities? अभी सबसे पहली बात, जो banks, agriculture and allied activities को जो loan दिया जाता है वो किस चीज़ के अंदर आता है? It comes under priority sector lending. So ये सीधा सीधा सवाल है, priority sector lending में कौन से bank ने सबसे ज़्यादा loan दिया था? तो पहली बात, इस प्रकार के सवाल regularly नहीं पूछे जाते हैं. दूसरी बात, इस प्रकार का डेटा अगर आप याद रखने का प्रयास करोगे देन यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपका सिर फूट जाएगा. तीसरी चीज़, यहाँ पे आप सिर्फ लॉजिक लगा सकते हो लेकिन अगर आप लॉजिक भी लगाने जाओगे तो देखिए चार ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन.
सो कौन से बैंक नहीं दिया होगा? सो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक आपको आंसर लगेगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बहुत ज़्यादा किसने डिसबर्स किया था, इट वॉज बाई द कमर्शियल बैंक. वाई? ड्यू टू द रीच, डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक हैड डिसबर्स मोर लोन टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू माइक्रो फाइनेंस कोऑपरेटिव एंड RRBs, राइट? सो इस प्रकार के सवाल पे आपको डेयरिंग लेना होगा, आपको थोड़ा सा दूर की सोचना होगा कि कोऑपरेटिव बैंक कितना स्प्रेड है, क्या है, ऑल दीज थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 84, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम. पता है आपको, अगर नहीं पता होगा तो आप नेट पे डाल दीजिए, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा. एंड यू शुड नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट प्रोग्राम, बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम. दूसरा, प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. अभी ये सवाल आता है कि अरे अगर एंटरप्राइजेस को प्रमोट करेंगे तो इससे इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा? हाँ होगा. क्यों होगा? बिकॉज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, इनका सबसे पहला कैरेक्टर होता है दे आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स मतलब क्या? द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विच एम्प्लॉय मोर नंबर ऑफ लेबरर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर. सो पहली चीज़, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है. दूसरी ज़रूरी चीज़, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में जो डिसेंट्रलाइजेशन था इंडस्ट्री का, इसका साइज छोटा होता है, कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेसेस पे भी हो सकता है. दैट्स द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंप्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट. राइट टू एजुकेशन एक्ट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट. एवरी चाइल्ड विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स शैल हैव द कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी चाइल्ड इन इंडिया. सो थर्ड ऑप्शन भी सही है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 and 3. इस प्रकार के सवाल में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ओवर एनालिसिस कुड बी अ रिस्की. अगर आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. नाउ, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया disinvesting equity in the CPSE. CPSE मतलब Central Public Sector Enterprises, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ गवर्नमेंट के ओनरशिप की होती है उन्हें CPSE कहा जाता है. The government intend to use the revenue earned from this disinvestment mainly to back external debt. ये सबसे हास्यास्पद चीज़ होगी कि गवर्नमेंट अपनी कंपनी बेच के अपना एक्सटर्नल कर्जा चुकाएगा. नहीं, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ CPSE. क्यों ऐसा क्यों करेगा गवर्नमेंट, राइट? दोनों भी आंसर्स गलत है. सो नाइदर 1 and 2. देन वट आर द ऑब्जेक्टिव्स एनलिस्टेड बाई गवर्नमेंट फॉर डिस इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट्स, मतलब जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है इनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव था. दूसरा, टू रिड्यूस बजेटरी डेफिसिट. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ, गवर्नमेंट हैड टू मेक अ लॉट ऑफ बजेटरी प्रोविजन फॉर दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. दे आर गोइंग कंटिन्यूअसली इन लॉस एंड टैक्स पेयर्स मनी वॉज बींग स्पेंट ऑन दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर मेकिंग देयर लॉसेस. थर्ड, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन PSU, दैट इज अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैन बी फाउंड इन दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन PSUs. To enable the government to concentrate on social development. So these are the objectives of the disinvestment. Next one, very very interesting question, where you might fall prey to first statement. What is the difference between asteroids and comets? Now everyone of us know. Everyone who has gone through the book of G.C. Leong in first few pages, they know what is difference between asteroid and comet. हर कोई, और आप सभी को पता है कि G.C. Leong यह ज्योग्राफी का बाइबल है. मतलब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, तो गोचे लियोंग से करनी है. सो इस हिसाब से जिस किसी ने भी गोचे लियोंग गो थ्रू किया उसको पता है एस्टोरॉयड और कॉमेट में क्या डिफरेंस होता है. सो क्या है, देखिए, एस्टोरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स वाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आप इंटरनेट पे भी एस्टेरॉयड डालोगे तो यू विल गेट द सेम डेफिनेशन. विकिपीडिया में आपको सेम डेफिनेशन एस्टेरॉयड और कॉमेट का सेम डेफिनेशन मिल जाएगा, आप कहीं पे भी पुट करोगे. सेकेंड, एस्टेरॉइड्स
are found mostly between orbits of Jupiter and Mars. Correct. Asteroids are found between Mars and Jupiter. बराबर है. While comets are found mostly between Venus and Mercury. नहीं, इसलिए मैं बोला सेकेंड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, पहला पार्ट हमें सही लगता है हम टिक कर देते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट गलत होता है. ध्यान में रखिए, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर बट कॉमेट्स आर नॉट फाउंड बिटवीन वीनस एंड मर्क्यूरी. सो सेकेंड स्टेटमेंट ये गलत है. अगर सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन चला जाएगा और ए ऑप्शन चला जाएगा, लेकिन पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सो सी भी चला जाएगा. सो विदाउट रीडिंग थर्ड स्टेटमेंट यू विल कम टू द आंसर 1 and 3 ओनली, एंड द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. Comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not show this kind of perceptible glowing tail. They are like a rocky material. Asteroids are like a rocky material. जो बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज में भी दिखाया जाता है वो भी asteroid type ही होता है. Next, economic growth is usually coupled with inflation. बराबर है, जब economic growth होती है. देखिए economic growth का मतलब क्या होता है, हम simple एक logic लगाएंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है हमारा जीडीपी बढ़ रहा है. जीडीपी बढ़ रहा है मतलब व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज नथिंग बट द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन वन अकाउंटिंग ईयर इज अ जीडीपी. सो बेसिकली जीडीपी क्या होता है, किसी देश की टेरिटरी में जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उनका मनी के हिसाब से जो टोटलिटी हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं. सो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट मिनट, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया इसका मतलब जीडीपी बढ़ गया. जीडीपी बढ़ गया मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ गया. इसका प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब यू नीड टू हैव मोर प्रोडक्शन. मोर प्रोडक्शन के लिए यू नीड मोर लेबर, राइट? लेबर बढ़ जाएगा, लेबर बढ़ जाएगा, उनके मिलने उनको मिलने वाली सैलरी बढ़ जाएगी. सैलरी बढ़ जाएगी, दे विल डिमांड more goods and services, and when they will demand more goods and services it will increase the prices, and when there is increase in prices it is inflation. So this is simple logic, economic growth is usually coupled with inflation. The lowering of bank rate by Reserve Bank of India leads to more liquidity in the market. What is bank rate? Now 4 to 5 important statements आप सभी ध्यान में रखें, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर डालूंगा, यू लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज बैंक रेट? द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक, राइट, ऑन अ लॉन्ग टर्म रेट इज कॉल्ड एज बैंक रेट. पहला चीज, बैंक रेट ये डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करके किया जाता है, दैट्स अ. दूसरी चीज ध्यान में रखिए, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट या रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है. दूसरी चीज. तीसरी चीज, बैंक रेट हैज बीन लिंक्ड विथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. आई रिपीट वंस अगेन, बैंक रेट हैज बीन लिंक्ड विथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. मतलब अब से क्या होता है, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट सेम होता है. उनके बीच का जो डिफरेंस था, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बीच का जो डिफरेंस था उसको MSF कॉरिडोर कहा जाता था. MSF कॉरिडोर. सो राइट नाउ दिस MSF कॉरिडोर हैज बीन ब्रॉट टू जीरो. मतलब बैंक रेट और MSF रेट का कोई भी डिफरेंस नहीं, दोनों सेम होते हैं. दैट्स व्हाई अगर MSF रेट ये पेनल रेट है, बराबर है, पेनल्टी वाला रेट है, तो ऑब्वियसली बैंक रेट भी क्या हो गया, पेनल रेट हो गया. सबसे जरूरी चीज. सो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट कम कर दिया तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल बैंक है वो RBI से ज़्यादा लोन लेंगी, एंड दे विल वाइल बाई टेकिंग मोर एंड मोर लोन फ्रॉम RBI दे विल हैव मोर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, एंड दे विल गिव दिस मोर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी टू ऑल अदर पीपल इन फॉर्म ऑफ द लोन. सो दैट्स हाउ देर विल बी मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट विल बी देयर. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल लीड टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट. यहाँ पे चार चीज़ें फिर से एक बार रिपीट करूंगा. व्हाट इज बैंक रेट? द रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. इसको जो हुंडी या कमर्शियल पेपर उसके डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करके दिया जाता है, दैट्स वाई बैंक रेट को डिस्काउंट रेट या रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है. बैंक रेट को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के साथ लिंक किया गया है. सो राइट नाउ द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज़ जीरो.
This difference between bank rate and marginal standing facility rate was called as MSF corridor. और सबसे लास्ट वाली चीज, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, यह एक प्रकार का पेनल्टी इंटरेस्ट रेट है. सो बैंक रेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट रेट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैंक रेट इज नो मोर अ पॉलिसी रेट, रेपो रेट इज कॉल्ड एज अ पॉलिसी रेट. वो हम अगले सवाल में देखेंगे. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज देयर विल बी मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट. क्वेश्चन नंबर 89. वेस्टर्लीज इन द साउथ हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, व्हाई? क्यों? सदर्न हेमिस्फेयर हैज लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. करेक्ट है. वाई? बिकॉज वेस्टर्लीज के लिए सबसे जरूरी रीजन क्या होता है, इज अ कोरियोलिस फोर्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ये गलत है. क्यों? बिकॉज कोरियोलिस फोर्स विच इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ब्लोन विंड विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो दिस कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड जीरो एट इक्वेटर. याद में रहेगा, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज जीरो एट द इक्वेटर. ये चीज ध्यान में रखिए. इस पे और एक अलग से स्टेटमेंट कैसे आ जाता है, विथ डिक्रीज इन लैटिट्यूड कोरियोलिस फोर्स डिक्रीजेस. बराबर है. 90 डिग्री लैटिट्यूड पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर पे क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है. सो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है. सो ये स्टेटमेंट याद में रखिए, विथ डिक्रीज इन लैटिट्यूड कोरियोलिस फोर्स डिक्रीजेस. राइट, ये ध्यान में रखिए. इस पे सीधा सीधा सवाल आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 90. बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय डीपनिंग मलाका स्ट्रेट्स बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया. करेक्ट है. ये चीज़ उस बार बहुत न्यूज़ में थी. ओपनिंग अ न्यू कैनल अक्रॉस क्रा इस्थमस बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान से. ये भी करेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आप ध्यान में देखिए, आप इस पे मैपिंग कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सवाल आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 91 स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज रिकमेंडेड इन द डाइट सिंस दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बहुत न्यूज़ में है. हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प अ पर्सन मेंटेन हेल्दी एंड प्रमोट लॉन्गिविटी. सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. सो ये करेक्ट आंसर इज सी. इस प्रकार के सवाल में एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती. ये कॉमन सेंस का बहुत, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो हर कहीं पे भी एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम इतने बार आ जाता है कि हमें पता चलता है कि ये कुछ तो भी इम्पॉर्टेंट है. सो ये आपका ड्यूटी होगा टू गो एंड सर्च दीज कॉमन सेंसिकल लॉजिकल एंड मोस्टली न्यूज़ नेम्स टू सर्च कि उनका क्या कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 92. इट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन consider the following statements. It was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene. Yes, true. During this period cotton was used for manufacturing textiles in India. Dono bhi sahi hai. Indus Valley civilization ke bare mein aapko jitna bhi jankari hoga wo kam hoga kyunki agar is pe sawal aa gaya to wo sawal har ek ka correct aana hi aana hai. So yahan pe aap galti nahi kar sakte. Aapko Indus Valley civilization ke bare mein acche se jankari honi zaruri hai. Yahan pe maine thoda sa additional information nikala hai, dekhte hain. The economy of the Indus Valley was dependent upon crops and animal husbandry. The chief crops grown were wheat, rice, dates, melons, green vegetables, primary legumes and cotton. There were large granaries in Indus Valley civilization. The cotton provided the impetus for growth of the textile industry for which Indians of the continent had long been famous. So aapko economy ke bare mein bhi agar pata chalega to ye aapko yaad rakhna zaruri hai. Question number 93. The lower Gangetic plain is characterized by humid climate with high temperature throughout the year. Humid climate with high temperature throughout the year. Which one of the following is pairs of crop is most suitable for this region? So, सबसे पहली चीज आपको blender ढूंढना है. So, मुझे बताइए cotton को किस प्रकार की soil की जरूरत होती है.
आप ये बात पक्की ध्यान में रखिए, कॉटन के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल सेल्फ प्लोइंग सॉइल जिसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट ज़्यादा होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल सेल्फ प्लोइंग सॉइल जिसमें टिटेनिफेरियस मैग्नेटाइट ज़्यादा होता है यह सॉइल ज़रूरी है। एंड इन लोअर गैंजेटिक प्लेन वी हैव एल्यूवियल सॉइल, सो एल्यूवियल सॉइल में कॉटन ग्रो नहीं किया जाता है, सो पैडी गल एंड कॉटन गलत हो जाएगा, वीट एंड कॉटन गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, वीट, आपको पता है वीट कब लगाया जाता है, वीट विंटर में लगाया जाता है, बराबर है। वीट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, इट इज़ अ रबी क्रॉप। Why? Because wheat demands temperate climate. और यहाँ पर क्या पूछा गया है, humid climate with high temperature throughout the year. मतलब temperate नहीं, tropical climate. So obviously wheat भी चला जाएगा। What options remains? Paddy and jute. बराबर है। Question number 94. What could be the main reasons for the formation of African and Eurasian desert belt? इट इज़ लोकेटेड इन दिस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सही है, ऑलमोस्ट अगर आप कोई भी डेजर्ट देखोगे तो ऑल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन दिस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सो पहला स्टेटमेंट सही है, अगर पहला स्टेटमेंट सही हो गया सो बी ऑप्शन चला जाएगा, नाइदर वन नॉर टू वो भी चला जाएगा। सो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट, नहीं, ध्यान में रखिए वार्म ओशन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेवी रेनफॉल। आई रिपीट वंस अगेन, वार्म ओशन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेवी रेनफॉल, वेर एज कोल्ड ओशनिक करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस रेनफॉल ड्यू टू देयर विच इफेक्ट, ड्यू टू देयर डेसिकेटिंग इफेक्ट। दिस रेन नेम इज इंपॉर्टेंट, कोल्ड ओशनिक करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस रेनफॉल, एरिड कंडीशन ड्यू टू द डेसिकेटिंग इफेक्ट। सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज वन ओनली। यहाँ पे एक नाम है पेरू करंट, जिसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। सो दिस पेरू और हम्बोल्ट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटाकामा डेजर्ट। इस टाइप पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, बहुत सारे जो अलग अलग से डेजर्ट है उसके लिंक्ड कौन सा कोल्ड करंट है वो आप ढूंढिए और उसका मैच द पेयर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 95, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी ईजिली एंड स्मूथली इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, वट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, देर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, सबसे ब्लंडर स्टेटमेंट है, एक गया ये भी गया। देर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स ही ब्लंडर है। अगर आपको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में पता भी नहीं तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स ब्लंडर है, सो नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। ये अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है, जीरो लैटिट्यूड होता है, यानी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 लैटिट्यूड, देन यहाँ पे 66.5 लैटिट्यूड और पोल 90 लैटिट्यूड। तो ये जो सूरज की किरणें होती है, सूरज की किरणें स्ट्रेट यहाँ पे गिरती है लेकिन ऐसे जाए तो स्लैंटिंग हो जाती है और उसकी एनर्जी कम कम हो जाती है। एंड सोलर एनर्जी, सोलर इंटेंसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर हायर बायोडाइवर्सिटी। दैट्स वाई एज वी मूव फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टूवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, और जब हम लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होते जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड, यहाँ पे ज़्यादा होती है, एंड हायर लैटिट्यूड पे कम होती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर अल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू हायर अल्टीट्यूड। ये माउंटेन है, यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, लॉजिक लगाना है। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो पहले दो या तीन चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द ब्रह्मपुत्रा, इरावाडी एंड मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट इन तिबेट एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीचेस। ऑफ दीज रिवर्स ब्रह्मपुत्रा मेक्स अ यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इन टू इंडिया। दिस यू टर्न इज ड्यू टू सिंटैक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयाज।
ये इस प्रकार का है, राइट? दैट्स व्हाई द सिंटैक्शियल बेंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रह्मपुत्र, क्लियर? अ स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट नॉर्दर्न पार्ट इज सेमी एरिड, आंध्रा कर्नाटका तमिलनाडु, सो इसमें तमिलनाडु का नॉर्दर्न पार्ट सेमी एरिड नहीं है, गुजरात का है, तीनों का है। इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, तीनों में पढ़ाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट और फूड क्रॉप लाइक ऑल दिस थिंग्स, सो इट इज अ गुजरात, सो करेक्ट आंसर इज गुजरात। वॉट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो VPN के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स यूजर्स एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क वाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, सो यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आपको सीधे सा आंसर आ जाएगा। द धर्मा एंड द रीता डिपिक्ट्स अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू द अदर्स। ये अगर हमने ऊपर का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो भी धर्म की ये डेफिनेशन हम कह सकते हैं, सो करेक्ट है। रीता वॉज द फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन, राइट? रीत क्या होनी चाहिए, सो इट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सो ये भी सही है, सो करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड टू। धर्म रीत, धर्म क्या होना चाहिए, ड्यूटी क्या होनी चाहिए, रीत क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द गवर्निंग प्रिंसिपल, व्हाट शुड बी द बिहेवियरल प्रिंसिपल इज अ रीता, सो दिस इज द आंसर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर 2011 क्वेश्चन पेपर, विल बी मीटिंग सून विथ क्वेश्चन पेपर ऑफ 2012, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandi Pius Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511-280-465.